नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिविल डायमेंशन चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में, और आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती होगी कि घर बनाते समय कौन सा सीमेंट यूज करें, किस ग्रेड का सीमेंट यूज करें, और सबसे जरूरी ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है या फिर कौन से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, बट आज हम सिर्फ ओपीसी और पीपीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही दोनों को हम मैक्सिमम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलैनस सीमेंट। फर्स्ट इज आईएसआई मार्क। ओपीसी पर आईएसआई मार्क ब्लैक कलर का होता है और पीपीसी पर आईएसआई मार्क रेड कलर का होता है। सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओपीसी की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि कैल्शेरियस मटेरियल कंटेनिंग लाइमस्टोन 60-70%, एग्रिलेशियस मटेरियल कंटेनिंग सिलिका 17-25%, एल्यूमिना 3-8% एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 0.5-6%, जिप्सम, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटैश एंड सोडा 0.5-1.3%। ये सभी मटेरियल को हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, भट्टी में हीट करते हैं क्लिंकर्स बनाने के लिए। क्लिंकर का मतलब होता है भट्टी से प्राप्त राख का ढेर, जो कि फिर ग्राइंड होता है अच्छे से और हमें ओपीसी सीमेंट ऑब्टेन हो जाता है। अब पीपीसी में देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ओपीसी सीमेंट क्लिंकर 75-77%, जिप्सम 3-5% एंड पोर्सेलेनिक मटेरियल 10-25%, विच कैन बी फ्लाई ash rise, husk ash, volcanic turf, pemicites, clay and shell। ये सभी मटेरियल को मिक्स और ग्राइंड करके पीपीसी सीमेंट बनता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेड्स। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ BIS, ओपीसी तीन ग्रेड में अवेलेबल होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। अब BIS के अकॉर्डिंग पीपीसी सिर्फ एक ग्रेड में अवेलेबल होता है और उसकी स्ट्रेंथ ओपीसी सीमेंट के 33 ग्रेड से मैच करती है आफ्टर क्योरिंग। अब फोर्थ पॉइंट है IS कोड्स। एज पर BIS 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड का IS कोड है IS 269। हम सबके लिए एक ही IS कोड यूज करते हैं। साल 2015 के बाद इन तीनों के लिए एक ही IS कोड यूज होता है। पीपीसी के लिए IS कोड है IS 1489, पार्ट 1 एंड 2। अब फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो तीन दिन में ओपीसी 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, और जबकि पीपीसी 29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही अचीव कर पाता है। सात दिन में ओपीसी 43.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, और जबकि पीपीसी 38 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है। 28 दिनों में ओपीसी 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, और जबकि पीपीसी 56.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। तो दोस्तों, यहां आपने एक पॉइंट नोट किया, इनिशियल स्ट्रेंथ ओपीसी की हाई है पीपीसी से, और जबकि पीपीसी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हाई है ओपीसी से। तो अगर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए इनिशियल स्टेज में तो ओपीसी का यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की जो ओपीसी से बनती है वो पीपीसी से कम होती है, जबकि पीपीसी की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है ओपीसी से। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर जो पीपीसी से बनता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है ओपीसी से। अब सेवंथ पॉइंट है वर्केबिलिटी, मतलब कि कंक्रीट कितनी आसानी से सरफेस पर प्लेस होती है। कंक्रीट जो कि ओपीसी से बनती है उसकी वर्केबिलिटी लो होती है, जबकि कंक्रीट जो पीपीसी से बनती है उसकी वर्केबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट इज परमेबिलिटी, मतलब कि कितना लिक्विड पास हो सकता है इनमें से। ओपीसी में पोज़ोलैनिक मटेरियल नहीं होता, जिसकी वजह से ओपीसी हाईली परमेबल होता है पानी से, जबकि पीपीसी परमेबल होता है, यह पानी के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओपीसी की केस में हाइड्रेशन प्रोसेस कम टाइम लेता है और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जबकि पीपीसी हाइड्रेशन प्रोसेस में ज्यादा टाइम लेता है और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, ओपीसी को मास कंक्रीटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कम टाइम में, मतलब कि पीपीसी आइडियल होता है मास कंक्रीटिंग के लिए। अब टेंथ पॉइंट है सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट है, जबकि पीपीसी का भी
भी 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का 12 डेज है जबकि पीपीसी का 25 डेज है। तो यहाँ हम ओपीसी रिकमेंड करेंगे जहाँ प्रॉक्स को जल्दी रिमूव करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइननेस। ये ओपीसी में 225 मीटर पर स्क्वायर केजी होता है और इसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं जबकि पीपीसी में 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, तो यह भी कोई मेजर थिंग नहीं है। 11th पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू अटैक अगेंस्ट केमिकल्स। इन ओपीसी रेजिस्टेंस टू अटैक सल्फेट अल्कलाइज क्लोराइड्स एंड केमिकल इज लोअर देन पीपीसी वेयर एज पीपीसी इज मोर रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स एज कम्पेयर टू ओपीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्योरिंग। ओपीसी को मिनिमम 7 डेज क्योरिंग करना पड़ता है जबकि पीपीसी को 10 डेज और अगर हॉट वेदर कंडीशन है तो ओपीसी को मिनिमम 10 डेज क्योरिंग करनी पड़ती है जबकि पीपीसी को 14 डेज। अब आप देख सकते हैं ओपीसी का क्योरिंग पीरियड टाइम कम है पीपीसी से। ओपीसी आपकी क्योरिंग कॉस्ट बचाता है और साथ ही में वाटर भी सेव करता है। अब 13th पॉइंट है एनवायरमेंट इंपैक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ओपीसी लार्ज अमाउंट में CO2 एमिट करता है जबकि पीपीसी में 10-25% पॉज़ोलैनिक मटेरियल होता है, मतलब कि पीपीसी बहुत कम CO2 एमिट करता है। पीपीसी को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। ओपीसी का रेट 380 रुपीज पर बैग है जबकि पीपीसी का 350 रुपीज पर बैग है, मतलब कि पीपीसी सस्ता है ओपीसी से क्योंकि पीपीसी फ्लाई ऐश मटेरियल से बनता है और इको फ्रेंडली भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इनके यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ओपीसी को हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाइक कॉलम बीम स्लैब कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस रोड ब्रिजेस हाई राइज बिल्डिंग इत्यादि में करते हैं जबकि पीपीसी को हम मास कंक्रीटिंग वर्क जैसे कि डैम कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वर्क मैरीन वर्क्स रोड रनवे इत्यादि में करते हैं। पीपीसी प्लास्टरिंग ब्रिक मैसनरी टाइलिंग वाटर प्रूफिंग इत्यादि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह क्रैक प्रिवेंट करता है। अब आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है। यह दोनों ओपीसी और पीपीसी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होते हैं। आजकल पीपीसी को हम ओपीसी के सब्स्टिट्यूट में भी यूज करते हैं। पीपीसी में पोज़ोलाना मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी एनहेंस करता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।